ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बेखौफ होकर 2-2 हजार रुपए के नकली नोट छाप रहा था और ग्रामीण इलाकों की भोली भाली महिलाओं को शिकार बना रहा था। रिपोर्ट देखिए। नकली नोट की तस्करी के आरोपी गिरफ्तार। पसान पुरुष की हिरासत में गिरोह के 3 सदस्य ग्रामीण महिलाओं को बनाते थे शिकार, लोन के बदले नकली नोट चलाने की साजिश। कोरबा में नकली नोट छापने और ग्रामीण इलाकों की भोली भाली महिलाओं को धोखे से नकली नोट देकर जालसाजी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पसान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह इतना शातिर था कि महिलाओं को झांसे में लेने के लिए पहले समूह बनाकर ऋण लोन दिलाने में मदद करता था, जिसके बाद लोन पास करने के खर्च के नाम पर 2-2 हजार रुपए के असली नोट लेकर नकली नोट खपा देता था। करीब लगभग 2 सप्ताह पूर्व 31 अगस्त को यहाँ से एक समीपस्थ ग्राम है लहंगा, वहाँ पर एक जो 3 आरोपी पकड़ा है, उसमें से एक बली गुप्ता नामक आरोपी आकर उसने खुद को किसी कंपनी का लोन देने वाली कंपनी का एजेंट बताकर महिलाओं को 50,000 का बहुत सरल शर्तों में 50,000 का लोन देने का वादा किया और कहा कि आपको फर्स्ट किस्त और कुछ जो लोन प्रोसेसिंग फी है मिला के 2-3 हजार आपको देना है, बदले में आपको 50,000 का लोन मिल जाएगा। ऐसा करकर उसने जो महिलाओं को बताया कि जो है इसके लिए आपको ग्रुप बनाना होगा 5-5 महिलाओं का, तो और उसने बताया कि मैं NSDL आकर आपसे जो लोन फीस है उसको कलेक्ट करूँगा और आपको लोन दे दूँगा। तो अगले दिन फिर से आया आरोपी और जब महिलाओं का समूह बन गया तो प्रत्येक महिला को उसने किसी से 2,000, किसी से 4,000, 5,000 करके लगभग 25 महिलाओं को अपने ठगी का शिकार बनाते हुए उनसे कुल रकम 1,00,000 रुपया ले लिया और उसके बाद प्रत्येक समूह को उसने कुछ लिफाफा दिया जिसमें उसने बताया कि इसमें आपका जो लोन की रकम आपको जो बताया गया है उसमें रखा हुआ है। प्रशांत पुलिस के मुताबिक खुलासा लहंगा गांव में हुआ, जब पिछले महीने एक युवक अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा और वहां 25 महिलाओं को स्व सहायता समूह बनाकर लोन दिलाने के नाम पर तैयार कर, जिसके बाद उनका समूह बनाया और छोटे मोटे काम करने का प्रोजेक्ट बनाकर समूह की प्रत्येक महिला को 25-25 हजार रुपए का लोन देने का वादा किया, फिर कागजी कार्रवाई और खर्चे के नाम पर प्रत्येक महिला से 2-2.5 हजार रुपए की मांग की। रुपए लेने के कुछ दिन बाद युवक वापस आया और लोन पास होने की बात कहकर उसने एक लिफाफा सौंपा जिसे अधिकारियों के सामने खोलने का झांसा देकर महिलाओं को ठग लिया। जब दूसरे दिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तब महिलाओं ने लिफाफा खोला तो उसमें 2,000 रुपए के नकली नोट रखे हुए थे। वो इतना शातिर तरीके से काम किया कि उसने बताया कि ये लिफाफा सील बंद है, आपको इसको अगले दिन ही खोलना है, यदि आप इसको आज खोल के देखेंगे तो आपको जो पहला किस्त आपको भरना पड़ेगा। तो फिर किसके कहे अनुसार जो है महिलाएं इस लिफाफे खोल कर नहीं देखी और इसने बताया था कि मेरे एक और साथी आकर कल आएगा अगले दिन तो उसके समक्ष ही खोलना है। तो महिलाओं को थोड़ा सा शक हुआ किसी के नाने पर, उन्होंने जब लिफाफा खोल के देखा उसमें से 2-2 हजार के नकली नोट निकले जो करीब जब सबको मिलाकर गिनकर देखा गया तो करीब 8,50,000 के आसपास 2-2 हजार के नकली नोट थे। तो इसके बाद से आरोपी लगातार इसके बाद अगले दिन जो है महिलाएं आकर थाने में शिकायत की जिनके आधार पर अपराध क्रमांक 91/19 पंजीबद्ध कर लिया गया। इसके बाद पुलिस को क्योंकि मामला यहाँ पर ठगी का और नकली नोट छापने का था क्योंकि गंभीर किस्म का अपराध है तो धारा 420 और 489 का अपराध पंजीबद्ध था। तो इसके बाद से आरोपी लगातार फरार थे, पुलिस ने अगले दिन से इनकी पता तलाश जारी कर दी।
महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने बदमाश की हुलिया का मिलान करने के लिए मुखबिर टीम एक्टिव की। तब पता चला कि आरोपी बिलासपुर जिले के गोरेला इलाके का में रहता है, जो अपने गांव से नकली नोट छापने का गिरोह चला रहा है। पुलिस ने बिना देर किए गिरोह के ठिकाने पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। जो है जिस प्रकार से अपराध को अंजाम दिया, तो स्पष्ट से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना स्वयं का गिरोह बना लिया था और यदि समय पर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफल नहीं होती तो भविष्य में और इस प्रकार की घटनाओं को आसपास के क्षेत्रों में अंजाम दे सकते थे। सभी आरोपी गिरफ्तार हो? हाँ, इसमें तीनों आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं। क्या कुछ पैसा भी बरामद किया है? हाँ, इनसे लगभग जो है 2000 के कुल लोनों की तरह कुल 18000 के कब्जे से और एक जो सन कंपनी का जो लेटेस्ट प्रिंटर है वो भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है। इनके खपाने का नकली नोटों को और कोई तरीका था कि और कुछ खपाएंगे, कुछ जानकारी लगी क्या? इनके द्वारा इस प्रकार का जो ये प्रथम षड्यंत्र था, पहली बार ही इन्होंने जो है अभी तक की पूछताछ की जानकारी मिली कि प्रथम बार ही इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। ये सारे आरोपी कहाँ गए थे? इसमें से मूलतः सभी आरोपी ग्राम सपनी, जो कि गोरेला थाना क्षेत्रांगर बिलासपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है, वहीं के निवासी हैं। गिरोह के कब्जे से एक कलर फोटोकॉपी मशीन बरामद हुई है, जिसमें वो 2000 रुपए की नकली नोट छापते थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि गुप्ता सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से एक रंगीन प्रिंटर और 2000 के कई नकली नोट जब्त किए, साथ ही उनसे अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ जारी है। हवालात के लिए कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट। हवालात में आज बस इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे जुर्मे की दुनिया की कुछ और नई दास्तानों के साथ। तब तक आप रहें सतर्क और सावधान। Thank you.